हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अभी कल हम गए थे कराची, तो हमने देखा वहाँ इतना रश, इतना रश के हमारी सोच से भी ज़्यादा रश। एक तरह से हम फंसने वाला मॉल नहीं होता, वो मॉल बन गया। तो फिर हम बड़ी धक्के खाने के बाद हम अंदर गए, एक तरह से व्हीलचेयर को लेके गए। सीढ़ियाँ थी तकरीबन गेट में, कुछ नहीं तो 5 से 10 हज़ार लोग तो गेट पे खड़े होंगे। थक्का मंदल चल रहा है, तो अंदर जाके हमने देखा तो वहाँ पे फैमिलीज हैं। नहीं, फैमिली नहीं, सॉरी, आपके पास एक लड़की होना ला। ये अजीब सा रूल है पाकिस्तान का, मुझे तो समझ नहीं आया ना। मैं इस रूल को मानता हूँ, लेकिन हम इतने धक्के खाने के बाद अंदर आ चुके थे तो हम वापस भी नहीं जाना चाहते थे। तो हमने कुछ फिर किया जो कि नहीं करना चाहिए, कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। एक एग्ज़िट थी, वहाँ पे गेट था, और एंट्रेंस पे ना मेटल डिटेक्टर कुछ लगा हुआ था, इसमें व्हीलचेयर नहीं जा सकता। तो फिर हमने सोचा और नहीं करना चाहिए, मैं भी नहीं मानता कि चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन हम लोगों ने फिर जो एग्ज़िट वाला रास्ता था वहाँ से एंटर, हमने बोला कि व्हीलचेयर वहाँ से नहीं जा सकती। वहाँ पे जो बाइक खड़ा था हमने उसको पास दे दिया, हम अंदर जा रहे। उसने पूछा आपकी फैमिली का, हमने बोला फैमिली पहले से ही अंदर। तो इस तरह हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन एक तरह से हमारा 1,050 रुपये बच गया, क्योंकि हम 3 लौंडे थे, 350 पर बंदा था। तो हाँ, तो फिर हम अंदर गए, तो अंदर जितना रश बाहर था ना, उसका 4 गुना ज़्यादा अंदर रश था। तो हुआ ये कुछ के कॉन्सर्ट भी था वहाँ पे, मुझे नहीं पता कोई सिंगर आए थे, लेकिन अच्छे थे। तो जो वहाँ जगह थी, जितना रश अंदर था ना, उसका 8 गुना ज़्यादा फ्री वाली चीज़ें में था। तो इसलिए हमने वहाँ पे कुछ खाया भी नहीं। तो फिर हम बाहर निकले, बाहर फिर हम लोग कुछ खाने चले गए, मैकडोनल्ड्स चले गए। फिर बेहतर समझे, यहाँ पे रश था, वहाँ पे रिलैक्स होके हम खा के वापस आए। तो हम मैकडोनल्ड्स गए, मैकडोनल्ड्स में हमने कुछ खाया थोड़ा सा, खाना बातें बातें की। तो ये था हमारा कराची का व्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो आप लाइक करना लाजमी।